वेलकम टू कैरी स्पार्क। यूपी टेट 2020 का इंतजार करने वाले स्टूडेंट्स के लिए गुड न्यूज है, क्योंकि यूपी टेट 2020 का एग्जाम दिसंबर में कराने की तैयारी हो रही है। इसके साथ इसमें कुछ बदलाव की भी बात की जा रही है, तो देख लेते हैं पूरी न्यूज। प्राथमिक में शिक्षक बनने के लिए यूपी टेट क्वालिफाई करना जरूरी होता है। यूपी टेट क्वालिफाई करने के बाद सुपर टेट होता है, उसके बाद ही आप प्राइमरी में टीचर बन सकते हैं। यह जो परीक्षा थी, प्रत्येक वर्ष अगस्त माह में इसका प्रस्ताव तैयार किया जाता था, लेकिन इस बार कोरोना के कारण यह प्रस्ताव लेट जाएगा और सितंबर के पहले वीक में इस प्रस्ताव को भेजने की तैयारी है। परीक्षा नियामक प्राधिकारी इसका जो कार्यक्रम है वह अक्टूबर तक कम्प्लीट करने की उसकी योजना है और एग्जाम को दिसंबर में कराने की पूरी तैयारी है। इस बार आवेदकों की संख्या अधिक होने के आसार हैं। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद का निर्देश है कि शिक्षक पात्रता परीक्षा वर्ष दो बार में कराई जा सकती है। हालांकि सी टेट का जो एग्जाम होता है वर्ष में दो बार होता है, इस बार उसकी परीक्षा नहीं हो पाई है। सी टेट में जो परीक्षा थी वह जुलाई में प्रस्तावित थी और अभी तक इसकी जो डेट है घोषित नहीं की जा सकी है, क्योंकि सी टेट का जो एग्जाम होता है ऑल ओवर इंडिया में होता है, इसलिए जब तक पूरे इंडिया में हालात ठीक नहीं हो जाते हैं कोरोना को लेकर, तब तक इसकी जो डेट है अभी आना मुश्किल है। लास्ट बार जो टेट का एग्जाम हुआ था उसमें लगभग 16 लाख अभ्यर्थियों ने आवेदन किया। इस बार उम्मीद है कि 16 लाख से इसमें अधिक फॉर्म पड़े। इधर बीएड के एग्जाम के बाद अन्य परीक्षा संस्थाएं भी कदम आगे बढ़ाने को तत्पर हैं। प्राथमिक व उच्च प्राथमिक स्तर की परीक्षा दिसंबर माह में कराने की रूपरेखा बन रही। अब तक आर्थिक रूप से पिछड़े अभ्यर्थियों को 10% आरक्षण नहीं मिल पा रहा है, इस बार इस परीक्षा में इसका भी प्रावधान शामिल करने की तैयारी हो रही है। इसके अलावा जो परीक्षा की शुचिता बनाए रखने के लिए इसमें बदलाव भी हो सकते हैं, तो उन्होंने क्लियर कर दिया है कि यूपी टेट में कुछ चेंज भी कर सकते हैं, क्योंकि अब तक जो यूपी टेट के एग्जाम हुए एक या दो छोड़कर सभी में क्वेश्चनों में कुछ न कुछ प्रॉब्लम आती रही। इस बार यह कोशिश की जा रही है कि जो विवाद है प्रश्नों पर न बने। सचिव अनिल भूषण चतुर्वेदी का कहना है कि अक्टूबर में अधिसूचना और उसके बाद से ऑनलाइन आवेदन का मंथन चल रहा है, इसका अंतिम निर्णय शासन करेगा। इस प्रकार हम कह सकते हैं यूपी टेट 2020 का एग्जाम दिसंबर में लगभग हो जाएगा और इसके साथ इसमें थोड़ा बहुत चेंज हो जाएगा। देख कि बदलाव की बात नहीं कही है उन्होंने, थोड़ा बहुत ही बदलाव करेंगे, इसलिए आप अपनी तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।